कथा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारत की लोक कथाएं श्रृंखला के अंतर्गत कुमाऊं की एक लोक कथा कलुआ कुभागी। एक था कलुआ। अब तुम जानना चाहोगे कि वो कौन था? तो भाई कलुआ कोई राजा नहीं था, वो राजकुमार भी नहीं था, न सिपाही था, न कोई वीर। असल में कलुआ कुछ करता धरता ही नहीं था। वो तो एक निठल्ला सा आदमी था जो कभी कहीं तो कभी कहीं घूमता रहता था। और जो भी जो कुछ दे देता उसे खा लेता था। अब तुम सोच रहे होगे कि हम तुम्हें उसकी कहानी क्यों सुना रहे हैं, है ना? तो भाई बात यह है कि कलुआ की एक अजीब आदत थी। वो अच्छे से अच्छे मौके पर बुरी बात कहने से नहीं चूकता था, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया था कलुआ कुभागी। एक बार की बात सुनो, गांव के प्रधान जी एक गाय खरीद कर लाए। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, जय राम जी की प्रधान जी। जय राम जी की शेर सिंह जी। गाय तो बड़ी सुंदर ले आए। हाँ भैया, गाय तो सुंदर है ही, इसका नाम भी मंगला है। हाँ, लग भी बड़ी भली रही है। और इसका बछड़ा तो देखो कितना प्यारा है। अरे मैंने तो इसका नाम भोलू रखा है। देखो देखो, अपना नाम सुनकर कैसे हाँ बोलता है। प्रधान जी, पैसे तो खूब दिए होंगे। अरे वो तो कहो, सस्ते में मिल गई। अच्छा? भाई मैंने कह दिया, भैया 300 से ऊपर तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। 300 में तो सस्ती पड़ी प्रधान जी, ये तो दूध भी खूब देगी। अरे बिटिया, मैं क्या कच्चा सौदा करता हूँ? अरे रोज 4 शेर दूध देगी, 4 शेर। और बछड़ा भी बढ़िया बैल बनेगा बड़ा होकर। सो तो है ही भैया। अच्छा मैं चलूं, देर होती जा रही है। हाँ, आप जाएं। कलुआ कुभागी भी इधर को ही आ रहा है। हाँ, उसके आने से पहले ही आप चल दे। अच्छा अच्छा, तो भैया जयराम जी की। जयराम जी प्रधान जी। अजी ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे, हमसे बात तक किए बिना चले जा रहे हो? जयराम जी की भैया, जयराम जी की। भैया वो देर हुई जा रही है ना, फिर किसी दिन बाद। अरे महाराज, गाय तो बड़ी सुंदर ले आए। हाँ, वाह 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 वाह, और बछड़ा भी साथ में। मुफ्त में ही ले आए होगे बछड़ा। हाँ, क्यों? और गैया 5 शेर से कम दूध तो क्या ही देगी? कल हमारे उधर आना कलुआ है, नई गैया के दूध की खीर खिलाएंगे तुम्हें। अच्छा जयराम जी। अजी प्रधान जी, कहाँ की खीर, कल किसने देखा? नहीं नहीं कलुआ, खीर की पक्की रही। अजी गैया है तुम्हारी खूब ऊंची पूरी,
ऐसी सुंदर तो उसके सींग और ऐसी सुंदर पूंछ, हाय हाय हाय। सो तो है ही। और प्रधान जी, रास्ता है पहाड़ी, जो गैया फिसल कर गिर गई तो चट से मर जाएगी, और फिर कहाँ का दूध, कहाँ की खीर। हे प्रभु। सुना तुमने प्रधान जी की गाय के बारे में कलुआ ने कैसी बात कही? कलुआ की इसी आदत से लोग डरते थे, न जाने कब क्या बोल दे। इसीलिए किसी भी शुभ काम में लोग कलुआ को बुलाते ही नहीं थे। लेकिन इससे क्या होता था, लोग ना भी बुलाएं, कलुआ खुद जा पहुंचता था। उसे किसी निमंत्रण की जरूरत थोड़े ही थी। ऐसे ही एक बार एक सेठ ने खूब बड़ा मकान बनवाया। जब सेठ उस मकान में रहने गया तो उसने खूब बड़ी दावत दी। भाई वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा। पूरी, कचौड़ी, हलवा, मिठाई, रायता, पापड़, सेठ जी ने तो दिल खोल दिया दावत में। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, उन्हें पैसे की कमी थोड़ी है। अरे वाह, मकान देखो, आहा, कितना सुंदर बनवाया है। अरे भैया, ऐसे झरोखे और छज्जे तो दूर दूर तक किसी के मकान में नहीं है। जी मकान क्या, राजा का महल है ये तो। ऐसे बड़े बड़े कमरे, कितने कमरे होंगे भला, 15-20 तो होंगे ही। पता नहीं भैया, आओ सेठ जी से ही पूछे। हेलो, आ गए सेठ जी। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कहो खाना पीना खाया या नहीं? जी खूब खाया सेठ जी, खूब। ऐसी बढ़िया दावत तो हमने आज तक नहीं खाई थी। सब तुम्हारी कृपा है भैया। सेठ जी, मकान बड़ा सुंदर बनवाया है आपने, खूब धूप और हवा आएगी इसमें। हाँ भैया। गर्मी में घर ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म। वाह प्रधान जी वाह। अरे 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 अरे, कलुआ है, तुम भी आए हो। कहो भाई, वो खा पी तो लिया ना, कुछ कमी तो नहीं लगी? अरे नहीं सेठ जी, इतना ठूस ठूस कर खाया है कि 4 दिन तक छुट्टी। हाँ एक बात है। क्या? आप कह रहे थे कि घर गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म, है ना? तो सेठ जी, गर्मी में आपके घर वालों को निमोनिया हो जाएगा और सर्दी में लू लग जाएगी। सेठ जी, आप कलुआ की बात पर ध्यान ना दें, इसकी तो आदत ही है। अच्छा चलो कलुआ चलो। अरे ठहरो, चलो चलो है? अरे तुम लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? वैसे सेठ जी, आपका घर तो भरा पूरा है, बस एक नाव की कमी है। नाव की कमी,
मगर मैं उन नाव का क्या करूंगा घर में? सेठ जी अब क्या बताऊं? अरे भाई कल को बाढ़ आ जाए, आपका मकान बाढ़ में डूब जाए, नष्ट हो जाए, तब अगर आपके पास नाव होगी तो कम से कम आप तो डूबने से बच जाओगे। क्यों जी, इस बार तो मैंने कोई बुरी बात नहीं कही ना? जी मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ, है ना? और इस तरह कलुआ कुभागी अपनी बात कह के ही टला और बेचारे सेठ जी तो मुंह लटकाए खड़े थे। कलुआ कुभागी, अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की एक लोक कथा। इसका नाट्य रूपांतर किया मधु जोशी ने। भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा, कीमती आनंद, सुरेंद्र सेठी, जया मेहता, सोमनाथ नागर, के एस पवार और राकेश शर्मा। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।